अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक और जबरदस्त ट्रिक जिसमें हम लोग एक से लेकर हजार तक का तमाम नंबर्स का स्क्वायर जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अगर ऐसा हो कि मैं जस्ट यहाँ पर एक नंबर देखता हूँ और नंबर देखने के बाद इसका मैं फौरन स्क्वायर बता दूं, इसका भी इसी तरह हो, इसका भी इसी तरह हो, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। आइए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको तीनों ट्रिक्स बताऊंगा, तीन ट्रिक के जरिए आप लोग जो है किसी भी नंबर का जो स्केयर है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उससे पहले पहली ट्रिक जरा देखिए, मेरे पास एक नंबर है जो कि क्या है 84 का स्केयर। 84 का स्केयर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करने के बाद इसे अगर फाइंड करता हूं तो मुझे काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आपके पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए अगर आप लोगों को स्केयर वगैरह फाइंड करना पड़ जाए तो आप ट्रिक्स की मदद से चुटकियों में आप लोग जो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले देखें आपके पास ये जो इसको टू पार्ट में डिवाइड करें इस नंबर को, एक 8 है और दूसरा क्या है आपके पास 4। तो सबसे पहले आप 4 का स्केयर लें जो कि क्या होगा आपके पास 16, और यहां पर आपके पास 8 है, 8 का जो स्केयर होगा वो कितना होगा आपके पास 64। हमने क्या करना है, दोनों नंबर्स का स्केयर लेके उसको एक राइट साइड पे लिख लेना है और दूसरा लेफ्ट साइड पर। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो ये नंबर्स हैं और इनको क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 4 32 एंड 32 2 कितने आएंगे आपके पास 64। ये 64 को मैंने सेंटर में रख लिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये सिंपल सा आपके पास नंबर आ गया है जिसके जरिए से आप लोग जो है स्केयर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, ये जो राइट साइड का जो नंबर है इसको ऐसे ही लिखें, बट ये जो 1 है इसको 64 में ऐड कर दें। 64 को 1 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 65, और ये जो 6 है ये कैरी करके क्या चला जाएगा, इसमें 4 में ऐड कर दें, और 6 और 4 कितने हो गए आपके पास 10, 10 का क्या आएगा आपके पास 0, और फिर आपके पास 1 इसमें ऐड कर दें तो ये कितना आ गया आपके पास 7056। हमारे पास क्या आ गया इसका 84 का स्केयर आ गया। तो आई थिंक सो कि ये बहुत ज्यादा आसान है, आप लोगों को ये चीज समझ भी आ गई। तो ये आप लोग देख सकते हैं इजीली आप लोगों ने कितनी आसानी से इसको फाइंड आउट कर लिया। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 94। 94 का मैं स्क्वायर लेता हूं तो मुझे इसका क्या मेथड अप्लाई करना है, सबसे पहले 4 को सेपरेट करना है, तो 4 4 16, और इसी तरह 9 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा आपके पास 81। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें, 9 4 क्या आएंगे 36 36 2 कितने आएंगे आपके पास 72। राइट साइड का नंबर एज इट इज लिखें और उसके बाद 1 को 72 में ऐड करें तो कितने आएगा आपके पास 73, और फिर कितना 7 कह रही है तो 1 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 8, और 8 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया 94 का जो स्केयर है वो क्या आ गया आपके पास 8 8 और 3 6, आपके पास इसका आंसर आ गया। आई होप सो कि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं, एक और नंबर है जो कि क्या 56 56 का हम लोगों ने स्केयर फाइंड करना है, बट इस ट्रिक के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम लोग अनदर ट्रिक यहां पर फॉलो करने जा रहे हैं जिसके जरिए से हम लोग इसका जो स्केयर है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसी तरह आपके पास जो 5 और जो 6 है इन दोनों का स्केयर लिख लें। ठीक है, तो 6 का स्केयर कितना होता है आपके पास 36, और 5 का स्केयर कितना आएगा आपके पास 25। एक और स्टेप करना है, एक और स्टेप ये करना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, 5 6 30 32 कितने आएगा आपके पास 60, और यहां पर 60 को एक डिजिट छोड़ के यहां पर आप लोग यहां पर इसको राइट कर दें। राइट करने के बाद इसको ऐड कर लें, ऐड किया तो मेरे पास 6 3 6 5 11, और ये कितना आ गया आपके पास 3। तो 3 1 3 6 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एक और नंबर ट्राई करते हैं इसी ट्रिक के जरिए, जो कि एक नंबर है 64 64 का मुझे स्क्वायर चाहिए, तो इसी आपके पास हमने पहले आई थिंक 84 किया था। ठीक है, तो 4 का आपके पास सबसे पहले स्क्वायर लें 16, 6 का स्क्वायर लें जो कि क्या होगा 36, और इसी तरह 6 4 कितने होंगे 24 24 2 कितने होंगे आपके पास 48। एक नंबर छोड़ के आप लोग इसे राइट कर लें, राइट करने के बाद इनको ऐड करें, ऐड ऐसे होगा आपके पास, और 6 4 10 10 का 0, और ये क्या आ जाएगा कैरी। तो ये 64 का आपके पास जो स्क्वायर आ गया वो कितना है 4096। और इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर आ जाता है जो 1000 के करीब है, कोई भी 3 डिजिट नंबर आपके पास है, अगर उसका आप स्केयर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये देखें कि इसके करीब 3 0 वाला नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अब इसके करीब 3 0 वाला नंबर क्या है 1000, तो 1000 में अगर 986 में कितने ऐड करेंगे 1000 कंप्लीट होते हैं, तो वो हमारे पास कितने हो रहे हैं यहां पर 14। अगर हम 14 ऐड करें तो ये कितने हो रहे हैं 1000, तो इसी तरह यहां पर 14 ही क्या करने पड़ेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, तो इसका जो नियरेस्ट नंबर है वो कितना बन रहा है 1000, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1000 और मल्टीप्लाई करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, किससे सब्ट्रैक्ट करना है 14 से, तो 986 को माइनस 14 करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 972।
ठीक हो गया। तो 972 आपके पास आ गया। एक और आपने क्या करना है, जितना आपने नंबर ऐड किया उसका आप स्क्वेयर ले लें। 14 का जो स्क्वेयर होता है वो कितना होता है 196। ये आप लोग एक साइड पे लिख लें। उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब ये 1000 है, ये मल्टीप्लाई बाय 972, हमने क्या करना है, ये 3 डिजिट नंबर के साथ इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले आपके पास ये कितना है 1000 और ये कितना है 972, हम लोग इसे 1000 से ही डिवाइड कर लेंगे। और 1000 से ही जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या होंगे, 30 से 30 कैंसिल हो जाए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है। अगर यहाँ पर जो स्क्वायर आता है वो 2 डिजिट हो तो हम लोग 2 डिजिट से डिवाइड करेंगे। इस तरह इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये 196, तो आप इसको एज इट इज रहने दें। ये आपके पास कितना है 972, उसके बाद लिखते हैं 196, तो ये आपके पास जो 986 का जो स्क्वायर आ गया है वो कितना है 972 एंड 196। आई होप सो कि आप लोगों को तीनों ट्रिक्स जो है पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी है, अगर आप इनको अपने जिंदगी में यूज करना चाहते हैं तो देन थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।